जहानाबाद जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के खिजरसराय बाजार में जदयू के विधानसभा प्रत्याशी मनोरमा देवी के पुत्र विनीत कुमार ने विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज के लगभग 100 युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर जदयू नेता गुड्डू शर्मा, परिमल राज सहित बड़ी संख्या में जदयू नेता उपस्थित रहे। विनीत जी, अभी आपको देखा जा रहा है युवाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्या है? अभी हमको पता चला था कि आज हमारे अतरी की जो युवाओं हैं, एक उनका आज मीटिंग रखाया था जिसमें हमें बुलाया भी गया था। अभी हम सबसे रूबरू हुए और बड़ा आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इन सब लोगों से मिलने के लिए। और जहां तक बात है युवाओं की, आज आगे हमारा भविष्य युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हम भी खुद शिक्षित हैं, शिक्षित होना के साथ उससे बड़ा चीज़ होता है मान सम्मान देने की बात। तो वही चीज हम देने आए हैं अपने युवाओं साथियों को और उनको विश्वास दिलाए हैं कि आप आज हमें सहयोग करिए, कल हम आपके लिए कल खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों से हम सबको आज रूबरू अपनी बातों को रखे हैं और सब लोग उत्साहित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए जितना भी युवा साथी हैं पूरे अतरी विधानसभा में घूम के हमारी बातों को और विचारों को रखने का काम करेंगे और इस चुनाव में हमें विजयी कराएंगे। मतलब जो युवा आपको नहीं जानते हैं वो लोग भी आपके लिए काम कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, हर एक आदमी का अपना एक विचार है। आप जब अच्छा विचार रख के चलिएगा तो आपसे खुद आदमी लोग, खुद युवाओं कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। आज वही चीज हमारे साथ है। आज हमें चुनाव में आए हुए 10वां दिन है। आज सब हमारे बारे में धीरे धीरे लोग जाने, आज उन्हीं को लेके उन्होंने खुद से अपना एक मीटिंग रखा जिसमें हमें निमंत्रण दिया गया। आज हम आए हैं युवाओं साथियों के बीच में। आज सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जितने भी भाई आज आए हैं, हम इन ये लोग आज हमें सहयोग करेंगे, कल हम इनको सहयोग करने का काम करेंगे। अभी आप युवाओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है युवाओं को डायरेक्ट कैंडिडेट से जोड़ने का। और जो युवा जो कम उम्र के थे, जो 2005 के बाद मतलब जन्म लिए और 2005 के पहले के सरकार को नहीं जानते थे, उनके बारे में बताना और समझाना और नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे अवगत करवाना, यही उद्देश्य है। क्या है युवाओं का फीडबैक? युवाओं का बहुत अच्छा फीडबैक है। अभी करीब 100 से ऊपर के संख्या में युवा यहाँ जुटे हुए हैं और बहुत उत्साहित हैं और सारे लोग खुश हैं नीतीश कुमार के NDA के कार्यक्रम से और बहुत खुश हैं। हम लोग के बीच पहुँचे हुए हैं मनोरमा देवी का जो लड़का है, वो इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं, तो उनसे भी बहुत उत्साहित हैं लोग कि भाई एक पढ़ा लिखा हुआ नेतृत्व हमारा करेगा। इससे बहुत ही मतलब युवाओं में एक मतलब आप समझिए कि मतलब आशा की किरण जगा हुआ है और बहुत ही उत्साहित हैं अतरी में। क्या है कार्यक्रम, किनको जीत दिलाना है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने लोग आज यहाँ पे 100 से ज़्यादा इकट्ठा युवा हुए हैं, लेकिन अतरी में जो इस बार लड़ाई है वो न दल की है न सिंबल की है। यहाँ पे लड़ाई अलग है और जो चुनावी कैंपेन जो हम लोगों का चल रहा है पार्टी के द्वारा, इसमें अतरी में उम्र का बंधन टूट गया, जाति का बंधन टूट गया, कोई वर्ण का बंधन टूट गया, कोई कास्ट फीलिंग नहीं है। सब जितने भी लोग हैं सब अभी अपने आप को युवा ही मान रहे हैं। इस चुनाव में जो जोर शोर से हिस्सा लिए हैं और उम्मीद है कि पूरी तरह से जो वेव है वो मनोरमा जी के पक्ष में है और आज उसका एक गवाह है कि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज इन लोगों ने नहीं किया, युवा लोग स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जिसमें विनीत जी उपस्थित हुए। नो डाउट बहुत बढ़िया वेव है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य बहुत साफ, युवाओं को क्या मिलेगा? बहुत साफ है अतरी के लिए, पूरे बिहार के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा विजन बनाया है जो कि आप प्रेस वाले को ऑलरेडी मिल चुका है। अतरी के लिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि साफ सुथरी सड़क बिजली निर्बाध रूप से मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेज की स्थिति सुधरनी चाहिए, जल नल का जो योजना है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और बाकी जो सबसे जरूरी चीज है अतरी में और वो है सुरक्षा। जो लोगों में एक जो जितना पूरे अतरी को जो पहली बार मैं घूमा हूं और जो देख के आया हूं, लोगों में सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे बढ़िया है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये कॉपरेट करेंगे अजय माननीय होने के बाद। ये अतरी के लिए सबसे बेस्ट इनका प्लानिंग है।